हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान दिनेश कार्तिक ने चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दरअसल ने आईपीएल में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा कारनामा करने वाले वह आईपीएल में 7वें भारतीय और 12वें बल्लेबाज बन गए हैं। सोमवार को दिल्ली के खिलाफ 10 गेंद में 19 रन का पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने आईपीएल में 3000 रन भी पूरे किए। हालांकि आईपीएल में वह सबसे धीमी गति से 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। कार्तिक ने यह उपलब्धि 156 मैचों में हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सीएसके के कप्तान एमएस धोनी के नाम था। धोनी ने 131 मैचों में 3000 रन बनाए थे। आईपीएल में 3000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ियों की सूची में धोनी, कार्तिक के अलावा सुरेश रैना, विराट कोहली, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, डेविड वॉर्नर, रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, क्रिस गेल, एमएस धोनी, एबी डिविलियर्स, अजिंक्य रहाणे भी शामिल हैं। धोनी के बाद लिस्ट में उथप्पा का नंबर आता है, जिन्होंने 121 मैचों में 3000 रन बनाए थे। बता दें कि दिनेश कार्तिक आईपीएल में अब तक 6 टीमों की तरफ खेल चुके हैं। उन्होंने 156 मैच की 138 पारियों में 18 बार नाबाद रहते हुए 25.10 की औसत और 125 के स्ट्राइक रेट से 3012 रन बनाए हैं। आईपीएल में 14 अर्धशतक ठोकने वाले कार्तिक ने अभी तक कोई शतक नहीं जड़ा है। वहीं आईपीएल में सबसे तेजी से 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में एबी डिविलियर्स टॉप पर हैं। उन्होंने सिर्फ 118 मैचों में 3000 रन बनाए हैं।